चंद दिन पहले मैं स्विमिंग पूल गया हुआ था और वहाँ पर अपना नॉर्मल हंसबे मामूल जो है ना, मेरी स्विमिंग चल रही थी। तो वहाँ पर देखता हूँ मैं कि एक स्विमिंग कोच जो है बाहर ठहरा हुआ है और उसके हाथ में एक बॉल है और उसको जो है ना ऐसा उछाल रहा है नॉर्मली जैसा उछालते हैं। तो मेरे ताल्लुकात जो है ना ये कोचेस स्विमिंग कोचेस से बहुत अच्छे हैं, तो मैं उनको जो है ना नॉर्मली से हाई किया और वो भी जो है मेरी तरफ देखता है और वो भी हंसता है, एक स्माइल देता है। उस वक्त मैं उसको बोला कि इशारा किया कि भाई वो बॉल जो है पानी में फेंको, यानी मेरी तरफ फेंको, बस उसको पकड़ दो, जस्ट एक प्लेफुल अंदाज में, यानी तो मेरी तरफ फेंको फिर मैं उसको जो है ना वापस फेंकूँगा। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैं उसको जो है ना नहीं फेंक सकता। तो मैं बोला भाई ऐसा क्या मतलब, इतना एक छोटा बॉल फेंकने से पानी थोड़ी ख़राब हो जाएगा, तो फेंको उसको। तो वो कहता है कि नहीं, यहाँ पर जो है ना दरअसल देखने एक CCTV लगा हुआ है और ये CCTV में वहाँ पर हमारे जो है ना बड़े सेठ बैठे हुए रहते हैं, वो पूरा इस चीज़ को जो है ना देख रहे हैं और उन वो देख रहे हैं, इसलिए जो है ना मैं इसको नहीं फेंक सकता है। यानी कितना भी मैं उसको इसरार करने के बावजूद भाई फेंको जस्ट थोड़ा बहुत जो है ना उसको हम खेलेंगे, वो नहीं फेंकता है और कहता है कि जो ना बिग बॉस जो है ना वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं, जिसकी वजह से यानी उस उनके डर से कि वो देख लेंगे वो उस बॉल को नहीं फेंकता है, जबकि वो एक CCTV है और ज़रूरी नहीं कि जो ना फुल टाइम उस CCTV में जो ना उनको बॉस बैठ के देखते रहे, लेकिन सिर्फ उसके डर से वो बॉल को जो ना नहीं फेंकता है। दोस्तों ये एक इंसान का, एक दुनिया में एक छोटी सी पोजिशन रखने वाले का डर, जब इंसान उसके बारे में रखते हैं तो ये उसके एक्शंस में कंट्रोल आता है। अब इस बात पर सोच के देखिए, इस बात पर गौर करके देखिए कि हमारा जो बनाने वाला है, जिसने हमको इस दुनिया में भेजा है एक टेस्ट के लिए, एक आजमाइश के लिए, क्या उसका हक नहीं बनता कि हम उससे डरें और गलत काम से रुकें? जबकि अल्लाह ताला इतना बड़ा है, इतनी उसकी जो ना बड़ाई और किबरियाई है, जो हमेशा हमको देख रहा है, जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद, यानी अपने बारे में अल्लाह ताला खुद कुरान में कहते हैं وَمَا قَدَرُ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ, इंसान अल्लाह की क्या कदर क्या है, यानी जैसे उसकी कदर करना है वैसा कदर कर ही नहीं सकता। وَمَا قَدَرُ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ, और फिर अपनी यानी उसकी पावर्स को अल्लाह ताला जो ना बता रहे हैं कि इस यानी क्या पावर्स के बेसिस पे इंसान जब किसी की कदर करे, तो अगर देखें तो अल्लाह के पावर्स इतने ज़्यादा हैं, तो अल्लाह ताला कहता है कि शामत के लिए وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن پوری زمین اس کے جو نا قبضے میں ہوگی, وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ, اور سارے آسمانوں کو لپٹ کے جو نا اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لے گا۔ یعنی جس طریقے سے ہم بولتے ہیں نا کہ بھائی بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, یہ پوری دنیا کیا ہے, ایک مٹھی میں لے لیتا ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بس ایک مٹھی میں اس کو لے لے جیسا ہے۔ دنیا کچھ نہیں ہے, دنیا میں جو لوگ اکڑ رہے ہیں کچھ نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گے لمن الملک اليوم, آج کس کی ملکیت ہے؟ دنیا میں جو اچکتے تھے, دنیا میں جو اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے تھے, دنیا میں جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے, لمن الملک اليوم, آج کس کی ملکیت ہے؟ للہ الواحد القہار, آج ساری بادشاہت, آج ساری ڈومین, سارے ڈومیننس اللہ کی ہے۔ للہ الواحد القہار, جو قہار ہے, جو بائی فورس اپنا کام کرا لیتا ہے۔ دوستو جب اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے, ہمیشہ دیکھ رہا ہے, جب مر کے اٹھ کر اسی کے پاس ہم کو جانا ہے اور پھر وہ ہم سے پوچھنے والا ہے کیا کچھ عمل ہم نے اس دنیا میں کیا ہے, ایک کنٹینیوس CCTV لگا ہوا ہے سمجھے آپ, تو کیا اللہ سے ابھی وقت نہیں آیا ڈرنے کا؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو سبسکرائب کریے, بیل بٹن دبائیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریے۔